नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत कक्षा में हम जो है कारक जो है उसका सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम जो कारक में विभक्तियां होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विभक्तियाँ किस प्रकार से हम कारक में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए विभक्ति, विभक्ति क्या है? सबसे पहले क्या है विभक्ति क्या है, ठीक है? तो शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी है? सात है। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी है दोस्तों? सात विभक्तियां हैं, ठीक है ना? सात विभक्तियां हैं, ठीक है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी, ठीक है ना? कौन कौन सी है सात विभक्तियां? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है? इनके तीनों वचन में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनके जो तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें क्या होता है अलग अलग विभक्तियां लगती हैं, ठीक है? यानी कि किसी में प्रथमा लग गई, किसी में द्वितीया लग गई, किसी में तृतीया लग गई, ठीक है? जैसे एक वचन में प्रथमा हो गई, बहुवचन में द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, इस प्रकार से हम इसमें अलग अलग क्या है जो क्या करते हैं प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है? इसके तीनों वचनों में क्या होते हैं अलग अलग से हम प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है? प्रत्यय कितने हैं? 21 प्रत्यय है। प्रत्यय कितने हैं दोस्तों? 21 प्रत्यय है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुप नाम से जानते हैं। जिन्हें हम कौन से नाम से जानते हैं? सुप नाम से जानते हैं। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं। यानी कि शुभ प्रत्यय के लग जाने के बाद ही शब्द जो है वो क्या बन जाते हैं? पद बन करके प्रयोग योग्य होते हैं, ठीक है? तथा सुमंत वो क्या कहलाते हैं? सुमंत भी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों? इसमें हम कह रहे हैं कि शब्दों से लगने वाली कितनी विभक्तियां हैं? सात। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है? इसके बाद में इसके तीनों वचनों में क्या होता है? अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, ठीक है? इसके बाद में प्रत्यय कितने हैं? 21 प्रत्यय हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुप नाम से जानते हैं, ठीक है ना? प्रत्यय को हम किस नाम से जानेंगे? सुप नाम से जानते हैं। सुप प्रयोग प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द क्या होता है? शुभ प्रत्यय अगर किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो वो क्या होता है? पद में बदल जाता है, ठीक है? और वो क्या होता है उसको क्या कहेंगे? हम सुमंत कह देते हैं, ठीक है ना दोस्तों? देखिए, जैसे ये विभक्तियां कितने तरह की होती हैं? ये विभक्तियां दो तरह से प्रयोग में की जाती हैं, ठीक है? कौन कौन सी? कारक विभक्ति के रूप में, और दूसरा कौन सा है? उपपद विभक्ति के रूप में, ठीक है? विभक्तियां दो प्रकार से प्रयुक्त की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में, ठीक है? आगे देखते हैं, क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। यानी कि क्रिया के आधार पर जैसी क्रिया उस प्रकार की जो है हम विभक्ति को लगाते हैं तो उसे हम कौन सी विभक्ति कहेंगे? कारक विभक्ति कहते हैं, ठीक है? और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कौन सी विभक्ति कहेंगे? हम उपपद विभक्ति कहेंगे, ठीक है? कारक विभक्ति क्रिया के आधार पर लगेगी, उपपद विभक्ति अन्य पदों के आधार पर लगती है, ठीक है दोस्तों? यानी कि विभक्तियां सात होती है, इसमें प्रत्यय 21 होते हैं और सुप आदि प्रत्ययों से हम क्या करते हैं? शब्दों से पद बना देते हैं, है ना? और उसमें क्या है? कारक की दो विभक्तियां हैं, का मतलब विभक्तियां दो हैं, कारक विभक्ति और उपविभक्ति। क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम कारक विभक्ति कहते हैं और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है दोस्तों? यहां तक हमारे हो गया, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथमा विभक्ति आ गई, कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है? प्रथमा विभक्ति में क्या कहेंगे? प्रथमा विभक्ति में क्या कहेंगे? देखिए,
प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता, ठीक है। कर्तवाच्य के कर्ता में और करण वाच्य के करण में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। कौन से में? कर्तवाच्य की कौन से में होती है? कर्ता में, ठीक है। और करण वाच्य की कौन से में होती है? करण में। कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। कर्तवाच्य के कर्ता में और करण वाच्य के करण में अब प्रथमा विभक्ति को लगाते हैं, ठीक है। जैसे मोहन दुग्धम पिबति, ठीक है, मोहन दुग्धम पिबति। यहां मोहन जो है वो क्या है? मोहन में कौन सी विभक्ति दोस्तों? मोहन में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहां इसमें एक भी दे रखा है कि यहां दूध क्या है? दूध से क्या कर रहा है मोहन? क्या कर रहा है? दूध को पी रहा है तो क्रिया कर रहा है ना, तो दूध पीने की क्रिया करने को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो क्रिया करने वाला कौन है? मोहन है। अतः मोहन में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। मोहन दुग्धम पिबति, यहां पर दूध पीने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। कर्ता में, कर्तवाच में, कर्ता में क्या होता है? कर्तवाच में, कर्ता में, और कर्मवाच में, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो मोहन में कौन सी होगी? हमारी प्रथमा होगी, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, राम पुस्तकम पठति, तो इस वाक्य में क्या है? पुस्तक को क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है ना। राम क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ने की क्रिया कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रधान कौन हो गया? राम हो गया। तो जो प्रधान कर्ता है, जो प्रधान होने के कारण क्या होता है? कर्ता हो जाता है, ठीक है ना। राम प्रधान है तो राम कर्ता हो गया, ठीक है ना। यहां क्रिया कौन कर रहा है? तो यहां भी मोहन क्या हो गया? कर्म कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। दूध कौन पी रहा है? मोहन पी रहा है, तो मोहन ही कर्ता हो गया, ठीक है ना। यहां प्रथम विभक्ति हुई, यहां कौन है? राम है, तो यहां भी क्या होगा? कर्ता हो जाएगा, ठीक है। प्रधान जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कह देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सोहन है ना, ग्रंथम पठ्यते, तो सोहन क्या कर रहा है? इसमें ग्रंथ को पढ़ रहा है, ठीक है ना। यह वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य, ठीक है। जिसमें कर्म, कर्म क्या है? ग्रंथ क्या है? ग्रंथ क्या है? प्रधान। ग्रंथ का क्या है? पढ़ना जो है वो क्या है? प्रधान है, ठीक है ना। ठीक, अतः ग्रंथ में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है ना। तो हमारा जो नियम था उसमें कह रहा है कि कर्ता में भी क्या होगी? प्रथमा होगी, और कर्म में भी, कर्तवाच्य में भी क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो यहाँ कर्म ग्रंथ में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे सोहनेन ग्रंथम पठ्यते, यह वाक्य जो है कर्म वाच्य है, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना है। ग्रंथ का पढ़ना क्या है? कर्म जो है वो क्या है? ग्रंथ का पढ़ना है। तो क्या हो गया यहाँ? प्रधानता किसकी होगी? ग्रंथ। तो प्रथमा विभक्ति इसमें हमारे को, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए किसी शब्द के अर्थ लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसी शब्द के अर्थ लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों? हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मोहन पुरुष लघु लता, ठीक है। इन सब में क्या है? इन सब में कौन सी है? इनके मोहन प्रथमा, पुरुष प्रथमा, लघु प्रथमा, लता प्रथमा, ठीक है। इन सभी जो शब्द हैं इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। चाहे वो अर्थ हो, लिंग हो, या परिमाण को हम प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे पुलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कोई सा भी हो, उसमें हम कौन सा करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जैसे इति के योग में क्या है? इति के योग में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे देखिए वयम
इमं कालिदासः इति नामना जानीम। तो इति के योग में क्या हो रहा है, यहां प्रथमा विभक्ति हो रही है, ठीक है ना। वयम् इमं कालिदासः इति नामना जानीम, ठीक है ना। यानी कि कालिदास के नाम को सब लोग क्या करते हैं, जानामी, जानेम या जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी होगी, इति में कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति हमारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए द्वितीय विभक्ति में क्या कह रहा है, वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट कर्म में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। क्या कह रहा है कि वाक्य जो होते हैं उसमें सर्वाधिक कर्ता के जो है वो सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में क्या होती है, द्वितीय, कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट होते हैं और कर्म होता है उसमें क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है, ठीक है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति, इसमें क्या कर रही है, वैष्णवी जो क्या कर रही है, चित्र को देख रही है ना, चित्र को देखना क्या है, वैष्णवी चित्र को देख रही है। तो वाक्य में वैष्णवी, वैष्णवी का क्या हो गया, चित्र को देख रहा हो गया। तो सर्वाधिक अभीष्ट है ना, चित्र को पश्यना, वैष्णवी चित्र पश्यति, तो वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना क्या हो गया, सर्वाधिक अभीष्ट हो गया, ठीक है ना। चित्र को देखना हमारा क्या हो गया, सर्वाधिक, अतः चित्र क्या हो गया, किसको देख रही है, कर्म। तो चित्र क्या हो गया, कर्म की संज्ञा होगी और उसमें सर्वा, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि वैष्णवी चित्रम पश्यति, तो बात के वैष्णवी जो है वो चित्र को देखना जो है वो सर्वाधिक अभीष्ट है और इसमें चित्र में जो है वो कर्म संज्ञा हो जाएगी और हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार बालह मोदकम वाच्यति, है ना, बालक बालह मोदकम वाच्यति, यानी कि यहाँ पर बालक को क्या हो गया, मोदक, यानी कि बालक को मोदक जो है वो प्रिय है, तो बालक को मोदक क्या हो गया, अभीष्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा था, वैष्णवी को चित्र क्या हो रहा था, अभीष्ट हो रहा था, ठीक है ना। अतः वह कर्म संज्ञक है और इसमें क्या है, अतः वह जो है वो कर्म संज्ञक भी है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जैसे कर्तवाच्य के वाक्यों में, कर्तवाच्य के वाक्यों में, कर्तवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति रखती है, यानी कि कर्तवाच्य के वाक्यों के कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे वैष्णवी चित्रम रचिते, यहां चित्र की क्या है, रचना करना है, रचना करता ही क्या है, कर्ता का कर्म है, यानी कि वैष्णवी क्या कर्म कर रही है, चित्र की रचना कर रही है, ठीक है। तो यहां रचना करना क्या है, कर्ता का ही क्या है, कर्म है, ठीक है। अतः चित्र में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना, वैष्णवी चित्रम रचे, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, जैसे देखिए अविदत का मतलब क्या होता है, सामने, और परिता का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। अभी तक मतलब सामने और परिता का मतलब चारों तरफ। समया का मतलब क्या होता है, पास। निकसा का मतलब क्या होता है, पास। हा का मतलब क्या होता है दोस्तों, खेत। और प्रति के ओर, प्रति का मतलब क्या होता है, ओर। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, ठीक है। और सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह, सर्वतः, सर्वतः, ठीक है ना। उसका क्या होता है, दिक यानी ऊपर, ठीक है ना, दिक यानी दिक होता है, ऊपर यानी ऊपर हो जाता है। अलह का मतलब नीचे, ठीक है। बिना का मतलब बिना। अंतरा का मतलब भी क्या होता है, बिना। अंतरेण का मतलब भी क्या होता है, बिना, है ना। इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, यानी कि अधितः परितः समया
निकषा हा प्रति उभयतः सर्वतः सर्वत्र दिगः दिगः उपरि है ना अधः बिना अंतरा अंतरेण में अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होगी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि हम कौन सा देख रहे हैं द्वितीया विभक्ति के बारे में देख रहे हैं कि द्वितीया विभक्ति में कहां कहां हमारी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं हम के देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे पहला देखिए ग्रामम अवितः वृक्षः ग्रामम अवितः वृक्षः। ठीक है, तो अविता में कौन सी विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना, तो ग्राम के पास में क्या है वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, नगरम परितः मार्गा यानी कि नगर के जो है बीच में क्या है मार्ग है। ठीक है ना, नगरम परितः मार्गा तो उसमें क्या है मार्ग है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में विद्यालयम समया उद्यानम। ठीक है ना, विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति तो विद्यालय के पास में क्या है उद्यान है। नदी निकषाम शीतलम समीरम बहती और नदी से क्या होता है शीतल जो है नदी से निकलते हुए शीतल जो हवा है वो क्या करती है बहती है। हा बाल घातिम है ना, तो यानी कि इसमें क्या है बाल का घातिन हो रहा है। अहम मित्रम प्रति किमती न कथिष्यामि। ठीक है ना, और हम जो है मित्र कभी भी जो है किमपि न कथिष्यामि। ठीक है ना, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। ठीक है ना, और मार्ग के चारों ओर क्या है वृक्ष है। ठीक है ना, और आश्रम सर्वतः बनानी सन्ति और आश्रम जो है वो सभी जगह जो है आश्रम जो है वो क्या है वन है। ठीक है ना, और धिंगः मूर्खम और ये तो बहुत ही मूर्ख है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इनके जो योग में अभितः परितः समया निकषा हा प्रति उभयतः सर्वतः दिगः इनके योग में कौन सी है द्वितीय विभक्ति। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति इसमें अभितः में हमारी कौन सी है द्वितीय विभक्ति है। नगरम परितः मार्गा सन्ति परितः में भी हमारी क्या होगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति तो समया में भी क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नदीम निकषा शीतलः समीरः बहति तो निकषा में क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। हा बाल घातिनम हा में भी क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। अहम मित्रं प्रति किमपि न कथयिष्यामि यानी कि प्रति में भी क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति ठीक है ना, उभयतः भी क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है ना, आश्रमम सर्वतः बनानी तो सर्वतः या सर्वत्र में क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए धिग मूर्खम तो धिग में क्या हो जाएगी धिंग में क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के जो है वो उदाहरणों को देख रहे हैं कि हमारे जो है कौन कौन से शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चारों ओर पास में दूर के लिए ठीक है ना, सभी जगह के लिए है ना, और क्या बोलते हैं किसी के चारों ओर घेरे हुए के लिए भी है ना, और समय के लिए भी इन सभी के लिए हम क्या करते हैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। सामने के लिए भी ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मम ग्रह ऊपरी वायुयानम गच्छति तो यहां पर ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों
ऊपरी के योग में द्वितीय विभक्ति, यानी कि मेरे घर के ऊपर से वायुयान क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। भूमिम अधः जन्तवः सन्ति, और अधः यानी क्या होता है, नीचे। तो भूमि के नीचे क्या हो, क्या है, जन्तवः सन्ति यानी कि जंतु है, ठीक है। जीव जंतु जो है वो कहां पर है, भूमि के नीचे है। तो अधः, अधः में भी कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति होगी। आगे देखिए, पुत्रम बिना माता दुखिता अभवत, यानी कि बिना के योग में, नाना के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे देखिए, पुत्र के बिना माता क्या होती है, बहुत दुखी हो जाती है, ठीक है ना। तो बिना के योग में कौन सी होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, और परिश्रम के बिना क्या है, यानी कि सुख नहीं है, ठीक है ना। परिश अंतरा में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति हमारी हो गई, यानी कि परिश्रम के बिना सुख नहीं है, ठीक है। हास्यम अंतरेण जीवनम निरंतरकम, यानी कि हास्य के बिना जीवन क्या है, वो क्या है, निरर्थक है, ठीक है ना। तो अंतरेण में क्या है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हमारी हो गई, ठीक है। आगे देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस वस धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके आगे हमने क्या देखा था कि जो ये शब्द है अंतरेण अंतरा अध ऊपरी है ना, उभयतर अवित अवितः समया इत्यादि जो शब्द है उनके योग में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर अधि उपसर्ग के बारे में बता रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, अधि उपसर्ग पूर्वक जो धातु है सिंह स्था आस बस धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे राजकुमार पर्यकम पर्यकम अभिषेते, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गई, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई हमारी, यानी कि द्वितीय विभक्ति हमारी हो गई। पर्यंगकम पर्यंगकम अधिशेते, ठीक है ना। तो अधि उपसर्ग आ गया, ठीक है ना, और पर्यंगकम यानी कि धातु आ गई। तो इसके अधि के जो पूर्व में जो है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन कौन सी धातुओं में, सिंह स्था आस बस, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी है, सिंह धातु है, तो इसमें हमारी कौन सी क्या हो गया, इसमें जो है हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, तो अधि के आगे यानी अधि उपसर्ग पूर्वक यानी अधि से उपसर्ग के पूर्व में क्या है, वैकुंठम, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी हमारी वैकुंठम में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। प्राचार्य उच्चासनम अध्यासेते, ठीक है। तो अध्य उपसर्ग आ गया, ठीक है, इसमें उच्चासनम उच्चासनम, ठीक है। तो इसमें ये आस धातु जो है वो इसमें आ गई उच्चासनम, ठीक है ना। तो इससे अधि से पूर्व में जो धातु आ रही है उनके योग में कौन सी विभक्ति कर रहे हैं हम, द्वितीय विभक्ति का योग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मुनि बनम अधिवसति, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कहां पर है, मुनि वनम अधिवसति, है ना। तो अधि के पहले क्या है, वनम, तो इसमें कौन सा धातु आ गई, वस धातु हमारी आ गई, ठीक है ना। यानी कि मुनि वनम अधिवसति, तो अधि से पहले क्या है, अधि उपसर्ग पूर्व जो है वो वन वस धातु है, तो उसमें क्या है, वनम में हमारी कौन सी विभक्ति हो गई दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे कह रहे हैं कि व्यवधान रहित कालवाची
यानी कि व्यवधान रहित जो कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा था ये कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस बस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। पहले कह रहा था अंतरेण अभिता परिता है ना, निकषा बिना अध उपरी, इनके योग में क्या होगी द्वितीय विभक्ति होगी। यहां पर क्या आ गया है कि व्यवधान रहित कालवाची मार्गवाची शब्दों में के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे छात्र द्वादश वर्षाणी अपठितम, ठीक है, तो छात्र क्या है यहां पर, द्वादश वर्षाणी क्या है कालवाची समय आवाची, यानी कि ये क्या बता रहा है छात्र के द्वादश वर्ष को इसमें बता रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी कालवाची में भी, द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है, छात्र मासम, मास यानी कि महीने के बारे में बता रहा है, तो ये भी समय के पुस्तकम अपठित। ठीक है, इसके बाद में मथुरा नगरम इतक्रोशम वर्तते, तो ये कौन सा हो गया, क्रोशम क्या है मार्गवाची हमारा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में विद्यालयात क्रोशदियम पर्वतः वर्तते, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रोशदियम पर्वतः, ठीक है, यानी कि कालवाची में यानी कि छात्र जो है वो 12 वर्ष को क्या है अपठित यानी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, छात्र मासम पुस्तकम अपठित, तो मास में क्या होगी हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई, और मथुरा नगरम इति क्रोशम वर्तते, तो मार्ग के उसमें कौन सी विभक्ति होगी हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है, और विद्यालय आज क्रोशादियम वर्तते, तो यहाँ पर विद्यालय के मार्ग में क्या आ रहा है ये मार्ग को जो दर्शा रहा है उसमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी शब्दों में। ठीक है, उसके बाद में अधिपूर्वक सिंहस्था इत्यादि जो वसास इत्यादि जो धातु है उनमें, उसके बाद में कालवाची या समयवाची है और मार्गवाची शब्दों के योग में भी क्या होगी हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं हम, देखिए। ठीक है ना, देखो तो इसमें एक और नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी, यानी इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हमारी हो जाएगी। जैसे शिव यानी सेवा करना, पुत्र पितरम सेवते, यानी कि पुत्र अपने पितृजनों की या माता पिता की क्या करता है सेवा करता है। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया ना सेवा आदि के जो है ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके योग में कौन सी होगी द्वितीय, तो सेव में भी कौन सी विभक्ति होगी द्वितीय। ठीक है ना, तो पितरम में भी कौन सी विभक्ति होगी द्वितीय। ठीक है ना, देखिए आरुह यानी कि इसका मतलब होता है चढ़ना, तो बालक क्या कर रहा है वृक्षम आरोहति, यानी कि बालक जो है वो क्या कर रहा है वृक्ष पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अनु यानी पीछे, तो पुत्र पितरम अनुगच्छति, तो पितरम में क्या हो जाएगी इसमें भी क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। निंद यानी निंदा करना, निंद का मतलब क्या होता है दोस्तों निंदा करना, दुष्ट सज्जनम निंदति, दुष्ट सज्जनम, दुष्ट होते हुए क्या करते हैं सज्जनों की क्या करते हैं निंदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए रक्षा यानी रक्षा करना, तो रक्षक ग्रामम रक्षति, तो रक्षक जो है वो क्या करते हैं ग्राम की रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गम, गम यानी क्या होता है जाना, तो बालिका नगरम गच्छति, बालिका जो क्या कर रही है नगर के लिए जा रही है। ठीक है, दुह यानी दोहरा, ठीक है ना, तो राधा गाय
राम पय दुग्धि, यानी कि राधा जो है वो गाय से दूध को क्या कर रही है, दो रही है। तो गाम का क्या हो गया, गाम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखिए, याच यानी मांगना, याच यानी याचना करना या मांगना। ठीक है, तो पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री क्या कर रही है यहाँ पर, माता से धन की याचना कर रही है, मांग रही है। ठीक है ना, उसके बाद पच यानी पकाना, तो तंडुलाम ओदनम पचती, और वो क्या कर रहा है कि वो जो है वो तंडुल को खाने के लिए क्या कर रहा है, पका रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमारे जो है यहां पर देखिए, पितर पुत्र पितर सेवते, तो पितर में द्वितीय विभक्ति, बाल का वृक्षम आरोहति, तो इसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। पुत्र पितरम अनुगच्छति, तो पितरम में भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, दुष्ट सज्जनम निंदति, तो सज्जनम में भी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। रक्षका ग्रामम रक्षति, तो ग्रामम में भी हमारी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, बालिका नगरम गच्छति, तो नगरम में भी क्या होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना, और राधा गाम पय दुग्धि, यानी कि गाम में भी क्या हो, गाय में भी क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। पुत्री मातरम धनम याचते, और पुत्री मातरम मातरम में भी क्या होगी हमारी, द्वितीय विभक्ति होगी। स तांडुलान ओदनम पचती, और इसमें भी हमारी क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमने अभित परित उदम उधा अध और ऊपरी, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति देखी, और अधि उपसर्ग के योग के पूर्वक में जो स्था आस बस इत्यादि धातु जो है उसमें भी हमने क्या किया, द्वितीय विभक्ति को देखा। और फिर उसके बाद में कालवाची और मार्गवाची जो है उसके जो शब्द हैं उसमें भी हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और इसके बाद में ये जो कुछ शब्द बचे हुए थे इनके योग में भी हमने क्या किया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये हमने हमारी कारक की जो है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के बारे में आज हमने जानकारी की है। आगामी कक्षा में हम तृतीय चतुर्थी पंचमी इत्यादि विभक्तियों के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।